हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की डेट में बात करने वाले एक्चुअली एक शेयर से रिलेटेड तो बात करेंगे ही करेंगे, बट उसके अलावा आज की डेट में बहुत सारी वीडियोस भी आएगी और कुछ सीख मैं आपको देना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि मार्केट में देखिए, रहना रहने से ज्यादा ना किसी उन सीखों पे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उन सीखों पे आप चलोगे, उन लर्निंग्स को आप हमेशा अपने जहन में रखोगे, अपने दिमाग में रखोगे, उसे हमेशा याद करते रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप शेयर बाजार में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर प्लेलिस्ट दे रखी है, प्लेलिस्ट पे जाइए, यहाँ पर इन वीडियोज को जाके देखिए। इन वीडियोज में आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगी, नॉलेज लेके मार्केट में आएंगे, सीखेंगे, काम करेंगे, तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। ओके, आपको पता चलेगी कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, आपको शेयर कैसे चूज करने चाहिए, आपको किस तरीके से ब्रेकआउट, तो ये सब चीज पता चलेगी। अगर बात करें हम यहाँ पर और भी वीडियो की, तो यहाँ पर देखिए ये एक स्टॉक्स है, इससे रिलेटेड कल वीडियो बनाई थी, यहाँ पर इन वीडियो को देख लीजिएगा। जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, तो आज की डेट में देखिए यहाँ पर ऑपरेटर का गेम, यहाँ पर बनाई है वीडियो, बट ऑपरेटर का गेम यहाँ शुरू हो गया। कैसे? तो ऑपरेटर यहाँ पर डरा के यहाँ पर सारे के सारे इन्फो एज के जितने भी शेयर है, नौकरी के जो शेयर है, लेना चाहते हैं, ताकि वो इस तरीके से वो आपके पोर्टफोलियो से निकाल के और अच्छा खासा शेयर अपने पास रख ले, ताकि जब 10 दिन बाद जब आईपीओ आएगा तो आप लोग तो घबरा के निकल चुके होंगे और वो लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे होंगे। तो इस चीज को याद रखिए, ऑपरेटर्स का गेम होता है, ऑपरेटर्स आर द किंग इन द मार्केट, तो वो ही यहाँ पर किंग है, इस चीज को याद रखिएगा। तो उनके प्लान को समझ के अच्छा खासा पैसा अगर आपको कमाना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आज की जो वीडियो है वो भी ऑपरेटर के ऊपर ही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर दीजिएगा। अगर बात करें, यहाँ पर कुछ वीडियोस बनाई गई थी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पर ये शेयर है, इस चीज को देख लीजिएगा, अच्छा खासा पैसा बन सकता है आपका। इसके अलावा अगर बात करें, जीनस पावर 3-4% भागता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पर ये अपना हैप्पीएस्ट माइंड तो भाग ही रहा है। और यहाँ पर अगर देखें एफएल इंडिया, यहाँ पर अगर मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर ऑपरेटर का गेम है, इससे समझिए ये शेयर भागेगा, अच्छा खासा भागेगा। ऐसे न्यूज देखने से कुछ नहीं होता, देखिए न्यूज को तो देखिए, बट उसे विचार करना बंद कर दीजिए। आप न्यूज चैनल देखिए बट उसे भी छोड़ दीजिए। ओके, आपको एट द एंड क्या करना है, अपनी स्टडी आपने क्या करी है उसके बेस पे। क्योंकि मैंने यहाँ पर एफएल इंडिया पे 2 बार वीडियो लोअर सर्किट लगा था, दोनों बार वीडियो बनाई और बताया कि अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर खरीदना है। और यहाँ पर देखिए 4200 से आज की डेट में 4500-4600 पे शेयर चल रहा है, तो इसे थोड़ा सा समझिए। बाकी और कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज है, इन वीडियोज को जाके देखिए, एक एक करके अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ दिखाई देगा। तो हम बात करने वाले एक शेयर से रिलेटेड, यहाँ पर इसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजी, आज की डेट में 4% भागता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर देखे तो यहाँ पर भी अगर हम 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें, तो ये शेयर को ना 1 महीने का निकाल लेते हैं, इस शेयर को 1700 रुपए से 1500 रुपए तक लेके आए थे, 1400 रुपए तक लेके आए थे इवन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी ये ऑपरेटर का बहुत बड़ा गेम था। यहाँ पर न्यूज बताई गई कि ये शेयर गिरेगा, ये शेयर में ये हो गया है, ये शेयर में वो हो गया है। ओके, यहाँ पर इनका बिजनेस उसी पे डिपेंड है। अब वहाँ पर आईटी का बिजनेस है, वहाँ पर यूएस से पैसा आता है तो डॉलर बढ़ता है, डॉलर में पैसा आता है तो ऑब्वियसली बात है आईटी भाग रहे हैं। बट यहाँ पर भी तो यहाँ पर इनका मोस्टली काम कहाँ है, यूएस यूके में ही होता हुआ, यूएस में होता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी तो डॉलर ही आने हैं, तो यहाँ पर ये शेयर भाग नहीं था। ओके, मुझे मैंने पहली बात तो न्यूज पे ज्यादा जानकारी भी नहीं दी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मुझे पता भी नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। बट यहाँ पर शेयर गिरा हुआ था, मुझे मेरी स्टडी के हिसाब से यहाँ पर शेयर गिरा हुआ था, और मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि ये शेयर भागने वाला है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अपनी वीडियो पे यहाँ पर सर्च करते हैं नजारा, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी और आपको बताया था यहाँ पर इस शेयर को खरीदी है 3 महीने पहले भी, यहाँ पर 1 वीक पहले, यहाँ पर देखिए ये शेयर से रिलेटेड बातें करी थी, सॉरी यहाँ पर देखिए बात करी है 2-4 दिन पहले ही बात करी है, कुछ दिन पहले या फिर मिक्स वीडियो में यहाँ पर बात करी है, इस चीज को देख लीजिएगा। बाकी अगर बात करें एमटार की, तो एमटार से रिलेटेड भी यहाँ पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि यहाँ पर इस शेयर को खरीदिए, काफी बेहतरीन। यहाँ पर अगर बात करें कुछ दिन पहले ही, 1 महीने पहले, 3 वीक पहले भी यहाँ पर वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर अच्छा खासा गेन हमें 36 से 40% का यहाँ पर गेन मिलता हुआ नजर आया है। ये क्यों मिलता हुआ नजर आया है? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टडी करी थी, स्टडी के हिसाब से हमने यहाँ पर पैसा कमाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने इसके बिजनेस मॉडल को समझा, इसके रिजल्ट पढ़े थे, इसके फाइनेंशियल देखे थे। इसी तरीके से अगर बात करें नजारा, तो नजारा भी उन्हीं में से एक स्टॉक था, यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी, बताया गया था कि ये शेयर को खरीदना है, न्यूज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूज से। आज की डेट में देखिए अच्छा खासा भागा है, 5 डेज में अगर हम बात करें अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर शेयर ने देता हुआ नजर आया, 13-14% ऑलरेडी भाग चुका है। और
टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट रॉन्ग, अगर होता है या नहीं होता है देखते हैं, बट अगर अगर 6 महीने इसे 1 साल दे देते तो ये शेयर आपको 3,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, ये मेरे को लग रहा है। बाकी 52 वीक लो की बात करें, 1432 रुपये पे शेयर था, ओके, एज वेल एज बात करें 52 वीक हाई की तो 2024 रुपये पे शेयर था और लोगों ने नहीं लिया जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये शेयर न्यूज थी और मैं गिरेगा तब खरीदेंगे, तो ऐसा नहीं होता, आपको खरीदना होता है जब गिरेगा तब, गिरेगा तब बाय ऑन डिप्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब मेरे को बाद में न्यूज पता चली मैंने की ठीक है गिरेगा तो कोई नहीं इशू नहीं है, यहाँ पर अच्छा शेयर है, अच्छे रिजल्ट है, बाद में हम यहाँ पर बाय ऑन डिप्स कर लेंगे, सिंपल यहाँ पर क्लियर था और अच्छा खासा यहाँ पर पैसा आज की डेट में बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजों की तो देखिए अभी फाइनेंशियल रिजल्ट कुछ दिन पहले आए थे, अगर यहाँ पर देखिए 20% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, 3 महीने इस शेयर को आते हुए दिखाई दिया है। बाकी अगर इसके फाइनेंशियल जो हमने गेमिंग की देखी है कंपनी है पहली बात तो ओके, मोनोपोली इंडियन मार्केट में यहाँ पर करती हुई नजर आती है, इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई ज्यादा है, यहाँ पर इनका डोमिनेशन यहाँ पर ज्यादा है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। मार्केट कैप की बात करें 5,000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, डेट की बात करें डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है, ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी कितना सा अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है। बाकी अगर बात करें जो हमारी स्टडी होती है हमेशा उस पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट होते हैं जो हमारे क्वार्टरली बेस पे हमने रिजल्ट देखे थे वो यहाँ पर अच्छे खासे हाइएस्ट एवर थे पिछले 2 क्वार्टर में, कंपनियां भी लिस्ट हुई है। बाकी अगर बात करें नेट प्रॉफिट वो भी देखिए नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गया है, यहाँ पर इस चीज को हमें देखना होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट, और ईयरली बेसिस पे भी अगर हम बात करते हैं तो 2-4 साल में की या 5 साल की बात करें तो 2011 ओके 190 करोड़, 172 करोड़, 170 करोड़, 247, और इस बार के लगभग डबल कर दिया है 455 करोड़ रुपए, जहां पर हाईएस्ट एवर नंबर्स आने शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली बात है हर बार कहता हूं कि अच्छा खासा पैसा आपका बनेगा। यहां पर नेट प्रॉफिट भी बात करें थोड़े बहुत यहां पर नेट प्रॉफिट नेगेटिव से देखिए पॉजिटिव में आ गया है और कंपनी अभी आई है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है अपने वजूद को यहां पर खड़ा करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट में कम ज्यादा हो सकता है, बट यहां पर जब यहां पर नंबर यहां पर चेंज हो गए हैं ना तो ऑब्वियसली बात है एक दिन यहां पर चेंज करेंगे, तो ये सीधे माइंड में ये चीज आपके रहनी चाहिए। रिजर्व्स की बात करें 646 करोड़ के रिजर्व्स है, 156 करोड़ से 146 करोड़, डेट कंपनी के पास 1 करोड़ का, तो ये सारी चीजें पॉजिटिविटी दिखाती है। यहाँ पर फिक्स एसेट की बात करें 299 करोड़ की फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट 118 करोड़ का है, कैश अच्छा खासा है, तो ये सारी चीजें ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और इसी बेस पे हम आपको बताते हैं बार बार कि ये चीजें ही आपको आगे ले जाती हुई दिखाई देगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग 20%, 6% FIIs की, DIIs की बात करें 8%, पब्लिक की बात करें 65%, इनमें भी 65% नहीं है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े नाम राकेश झुंझुनवाला सर की अगर बात करें 10%, 11%, अर्पित खंडेलवाल, यहाँ पर अच्छे अच्छे यहाँ पर होल्डिंग यहाँ पर लोगों ने लेके रख रखी है, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान में देना है और इसके हिसाब से हम अगर ट्रेडिंग करेंगे, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है स्विंग ट्रेडिंग करिए, आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है थोड़े टाइम के लिए तो वो भी रखिए, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा ऐसी ही कंपनी बना के देती है। ऐसे ही हमने यहाँ पर FL इंडिया पे बताया था कि FL इंडिया अच्छी कंपनी है, गिर रही है कोई इशू नहीं है, जिसने भी कह दिया यहाँ पर नमूरा ने कह दिया कि यहाँ पर गिरती हुई नजर आएगी ये कंपनी, और नमूरा के पास खुद यहाँ पर शेयर है 1.4% के, तो 150-200 करोड़ के शेयर उसने खुद ले रखे हैं, यहाँ पर रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट एवर नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से एमटार की हमने बात करी थी, एमटार लोग नहीं ले रहे थे, गिर रहा था ये शेयर, और यहाँ पर 2 बार यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर चुका हूँ विद इन 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। आज की डेट में मैंने यहाँ पर ये शेयर बेचा, क्यों बेचा इसी वीडियो में आपको बताऊंगा ओके, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी दोबारा यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ट पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये सारी चीजें आपको बता रही है कि ये शेयर में कितना सारा दम है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल से रिलेटेड, FL इंडिया तो देखिए भागे गई ओके, उसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि कुछ नेगेटिव न्यूज भी उसके साथ साथ चल रही है, बट उसमें भी पॉजिटिविटी उधर है। नजारा की बात करें तो नजारा देखिए यहाँ पर आपको बताया गया था अच्छा खासा ऑलरेडी भाग चुका है और अभी भी बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटी है ओके, ये 80 तक के RSI पे आता है जो अभी 62 के RSI चल रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये 18 और 2000 जो इसका प्रीवियस था हाई था उधर तक तो ये भागेगा ही भागेगा, कुछ अभी खास चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार यहाँ पर
डॉलर ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर अगर आप एक से अगर 6 महीने से 1 साल दे देते हैं तो ये शेयर आपको 3,000 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये रही, और बीच में अगर कुछ चार्ट पैटर्न अच्छा खासा बनेगा तो दोबारा वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। बाकी अभी बात कर लेते हैं एमटार की। तो एमटार की बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने ये शेयर देखिए यहाँ पर पकड़ा था, ओके, यहाँ पर से पकड़ा, सॉरी यहाँ पकड़ा था, उसके बाद अच्छा खासा पैसा यहाँ पर हमने यहाँ पर बेच दिया था, फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी बनी थी जब, तो यहाँ पर हमने खरीदा था 1,000 रुपये के आसपास खरीदा था। फिर आज की डेट में अगर बात करें तो 1,400 रुपये के आसपास हमारा अच्छा खासा यहाँ पर बेचते हुए नजर आया, और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर भी जनरेट होता हुआ नजर आया। बट अभी ये शेयर बहुत ज्यादा भाग चुका है, तो मुझे क्या लग रहा है, जो मैं अपने पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, ओके, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिएगा। बाकी ये दो चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये शेयर 2,000 रुपये तक जाता हुआ मुझे साफ दिखाई दे रहा है 6 से 1 साल के अंदर अंदर, ओके। तो अभी रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट अभी अभी आया है रिसेंटली, तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये शेयर अभी थोड़े टाइम के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा, और थोड़ा सा ये अगर 10% तक और गिर जाता है और ये शेयर अगर 1,300 रुपये के आसपास आ जाएगा तो मैं दोबारा इसमें बाइंग करने वाला हूँ, क्योंकि 1,300 रुपये के आने के बाद यहाँ पर जब इसके रिजल्ट आएंगे तो ये शेयर 1,500, 1,600, 1,700 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी अभी मैं यहाँ पर सेल कर चुका हूँ, फिर दोबारा इसमें बाइंग करूंगा जरूर, यहाँ पर मेरी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी ऐड है ये। तो एमटार के लिए ये हो गया, और हो गया नजारा, तो नजारा तो भागेगा, इसे इसे आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में अभी भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर गिरावट होती है तो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अच्छा खासा अभी ऑलरेडी भाग चुका है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और आपको सीखना है, सीख के यहाँ पर आपको कुछ भी पोजिशन लेनी है, बहुत सारे शेयर आपको बताए गए थे, तेजस मैंने अभी 3-4 दिन पहले अगर बताया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी अगर हम देखें तो आज की डेट में अपर सर्किट दोबारा लगता हुआ दिखाई दिया, और कुछ दिन पहले जब वीडियो बनाई थी 4 दिन पहले ही यहाँ पर फिर दोबारा बात करें तब भी अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। तो इस तरीके से आपको सीखना है, सीख के इन्वेस्ट करना है और अच्छा खासा पैसा बनाना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।